जो मैंने मंगवाया था वो नहीं आया भाई लोगों, ये तो कुछ अलग ही आ गया। सो हेलो जी, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं तो भाई बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी डाउन थी। एनीवेज पहले इंट्रो कर लेते हैं। हाय, माय नेम इज साहिल। सारेनु भाई सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। बीच में बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत डाउन हो गई थी, वायरल हो गया था, बॉडी में तो बिल्कुल जवाब, काम करना छोड़ चुकी थी, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट अभी मैं ठीक ठीक हूँ और ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बट ठीक है, थोड़ा बॉडी में पेन है, कुछ छोटा मोटा चल रहा है, अभी भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा यार, रिकवर होने में टाइम तो लगता ही है भाई यार। अभी भी देखो, अब मेरी जो आवाज़ है वो बहुत भारी हो रखी है बिकॉज ऑफ कोल्ड, और यार बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, पूछो मत। इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ कहीं बाहर निकलना, अभी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सारा कुछ मेंटेन कर रहा हूँ। तो भाई लोगों, अभी ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे तो, बट मैं व्लॉग में इसलिए आया हूँ क्योंकि काफ़ी भाई लोग प्यार इतना दे रहे थे कि सब पूछ रहे थे भैया आजकल कहाँ हो, बना नहीं रहे, व्लॉग नहीं बना रहे। भाई लोगों सॉरी, आई एम रियली सो सॉरी, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन थी, बट अब ट्राई करूँगा कि अब मैं आगे बिल्कुल कंटिन्यू रहूँ। बट यार कुछ कह नहीं सकते, लाइफ है ना, वो कुछ नहीं कह सकते यार, उसका कब कहाँ कैसे मोड आ जाए। तो यार आज है ना, मेरे पास 2 पैकेट्स आए हुए हैं, आए तो काफ़ी टाइम से हुए थे, बट मैंने सोचा हुआ है कि मैं जो भी अनबॉक्सिंग करूँगा अपनी फैमिली को दिखा के ही करूँगा। तो मेरे पास 2 पैकेट आए हुए हैं, और वो किस चीज़ के हैं ये 2 पैकेट्स, ये आज आपको बता देते हैं। मंगवाए मैंने अमेज़ॉन से, अमेज़ॉन अपनी दुकान, घर की दुकान है, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो पहले ये वाला पैकेट ओपन करते हैं, इसमें क्या आया है। ओहो, इसमें आ चुके हैं अपने लेंस। आपको याद होगा मेरा जो 360 कैमरा है उसके मेरे लेंस टूट चुके थे सच पास पर मेरा एक लेंस ख़राब हो गया था और एक लेंस मेरे हाथ से गिर गया था, तो वहाँ पर वो टूट चुके थे। तो ये अपन ने मंगवा लिया है, ये अपना पड़ा था जी, ये अपने को पड़ा था जी 1500 रुपीज़ का, और ये GoPro पे ही साइट पे मिल जाता है, आई मीन Amazon पे ही मिल जाएगा, सब जगह अवेलेबल है। यार जो मैंने मंगवाया था वो नहीं आया, भाई लोगों, ये तो कुछ अलग ही आ गया। अपने पास भाई ये तो है, ये तो अपने पास ठीक है, ये जो कवर है ये ठीक है अपना, बट इधर का जो लेंस होता है ना वो अपने ख़राब हो चुके थे, वो अपन ने ऑर्डर करे थे, और शायद से गलत ऑर्डर आ चुका है भाई। तो कोई ना, इसका रिप्लेसमेंट तो मेरे सबसे नहीं जाएगा, बट अपन उसको ऑर्डर कर लेते क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है अपने लिए। अब भाई ये आ चुका है, खाली है, इसके अंदर बस यही था। चलो कोई बात नहीं, चोट। तो पहली अनबॉक्सिंग हो गई धोखे के साथ, गलत आइटम मिल गया अपने को, और यहाँ बड़ा दिल सा दुखा यार कि क्यों आया गलत आइटम, जो चीज़ चाहिए थी वो तो आई नहीं। कोई नहीं जी, अपन अब दूसरा ऑर्डर कर लेंगे, वो भी जल्दी से आ जाएगा। अब मैं दिखाने वाला हूँ भाई दूसरा पैकेट में क्या है। ये तो मतलब सही है, जो मुझे मन मंगवाना था शायद से ये सही होगा, आई मीन ये सही ही है। इसमें भाई हार्ड ड्राइव का केसिंग, कवर, पैकिंग के अंदर पैकिंग। इसमें निकला है जी अपना एक बिल, ये पड़ा है अपने को 550 रुपीज़ का। भाई लोगों ये आप देख रहे हो, ये है एक हार्ड ड्राइव केसिंग बॉक्स, और ये यार देखो मैं सबको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ ये चीज़ रखा करो जो भी हार्ड ड्राइव खास करके यूज़ करता है, बिकॉज ऑफ हार्ड ड्राइव अगर गिर गई तो भाई डाटा करप्ट हो जाता है। तो भाई डाटा है ना करप्ट हो जाता है, और वो मैं नहीं चाहता कि मेरा डाटा करप्ट हो, बिकॉज जो भी मेरा डाटा होता है वो हार्ड ड्राइव में होता है। तो इसमें 2-3 पॉकेट्स दी हुई हैं, ये हार्ड ड्राइव पॉकेट है, ये आपके मेमोरी कार्ड पॉकेट है, आप इसमें मेमोरी कार्ड वगैरह रख सकते हो, और ये पीछे भाई फुली ये देख रहे हो, ये शॉक एब्जॉर्वर है, मतलब कितना भी ज़ोर से पैकेट गिरे, और बाहर से हार्ड केसिंग है, हार्ड कोर है, तो अंदर हार्ड ड्राइव पे इतना लगेगा नहीं, और जितना लगेगा नहीं भाई लोगों ये अपनी हार्ड ड्राइव करप्ट नहीं होगी। आप कभी भी आप देख लेना है, जिसकी भी हार्ड ड्राइव गिरती है कुछ होता है तो उसका डाटा करप्ट हो जाता है। तो ये मेरे को बहुत बड़ा रिस्क लग रहा था अपने साथ, तो ये मैंने ऑर्डर करके मंगवाया था अमेज़ॉन से। इसकी लिंक मैं आपको अपने व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो जाके आप चेकआउट ज़रूर से कर लेना। और भाई लोगों तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन चल रही थी,
पूछो मत, इतना हाल ख़राब हो चुके थे कि बैक में इतना पेन था, सब कुछ मतलब ऐसा चल रहा था कि ज़िंदगी उथल पुथल हो चुकी है, बट फीलिंग बेटर नाउ। और भाई भूसा जब से अपनी बेबी गई है ना, बहुत याद आ रही है। फिर उसके अलावा ना व्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता, मतलब वो प्यार है यार मेरा, पता नहीं क्या उसके अंदर ऐसी चीज़ है जो मेरा मन नहीं लगता, अगर वो कहीं चली जाती है ना तो बस। ये चीज़ आपके लिए भी बहुत बड़ी सरप्राइज़ है कि अपन भूसा में क्या करवाने वाले हैं, कि अपना सुपरमैन गया था तो भाई सुपरमैन बहुत जल्दी वापस आएगा, टेंशन ना लें। काफ़ी लोगों के कमेंट मैसेज आ रहे हैं कि भैया कहाँ गई अपनी भूसा, कहाँ गई अपनी ब्लैक एंजल, कहाँ गया अपना सुपरमैन। भाई आएगा सुपरमैन बहुत जल्द वापस, कुछ चेंजेस करवाएं तो वो चेंजेस शायद से आपको अच्छे लगें, शायद से ना भी लगें, आई एम नॉट श्योर। बट भाई अपनी बीबी बहुत जल्दी आएगी, उसका भी बनाएंगे एक व्लॉग अलग से अपन ने उसमें क्या करवाया है। और हिमालयन भाई बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, अपना ब्लैक मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो आज सोचा था उसकी वॉशिंग वगैरह करवाते हैं, बट भाई लग टाइम नहीं मिल पाया। अभी भी यार देख लो आप 8 बज रहे हैं रात को, और मैं अभी व्लॉग बना रहा हूँ, और थोड़ी देर बाद मेरे को ये एडिट भी करना है, फिर उसके बाद सुबह में 9 बजे से तक आपको कैसे भी करके अपलोड करना है मेरे को। तो होप करूँगा यार कि मैं अब कंटिन्यूसली ना छोड़ूँ ये, वापस से मैं अपनी जो कंटिन्यूटी थी, जो मैं बना रहा था व्लॉग्स, वो मैं अपनी स्पीड दोबारा लेके आऊँ। आप लोगों का प्यार बहुत थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, तो मैंने कहा वो नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो भाई लोगों ट्राई यही रहेगा कि अब बस जल्दी जल्दी व्लॉग्स आते रहेंगे। और भाई लोगों क्या ही बताऊँ, एक और चीज़ मैंने मंगवाई थी बिकॉज ऑफ माउंट, आपको मैंने कई व्लॉग्स में देखा है ना कि मेरा माउंट जो था वो हट जाता था, ये मेरा था भाई माउंट, ये मैंने मंगवाया था 400 रुपीज़ का, ब्लू आर्मर कंपनी का है, काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जब मैंने ये लगाया था यार, ये थोड़ा ना मुझसे गलत हो गया था उस टाइम लगाते वक्त, तो कोई बात नहीं जी। अब मैंने इसके लिए तो इसकी जो गम थी अंदर की, ये जो गम देख रहे हो ये थोड़ा है ना डाउन हो चुकी थी, आई मीन इस पर डस्ट लग चुकी थी, तो ये प्रॉपर नहीं पकड़ पा रहा था। तो भाई इसके लिए ना अपन ने ऐसी जुगाड़ मंगवाई है, ये छूटने वाला नहीं है, टच वुड ये काम करे। भाई ये मंगवाया अपन ने 3M का टेप, इसकी भी मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और इसके साथ जो आया है वो एक आया भाई थिनर बॉटल साथ में आएगी 3M की, इसको बोलते हैं भाई 94 प्राइमर, बिकॉज ऑफ इसको है ना पहले थोड़ा सा कॉटन में लगा के रब करके लगाना पड़ता है जहाँ भी आप अपना डबल टेप लगाने वाले हो, तो उससे थोड़ा इसकी जो गम होती है वो बहुत परफेक्टली लग जाती है। तो ये भाई 2-3 आइटम जो थे अनबॉक्सिंग के लिए, जो मैंने कहा सोचा यार बता दूँ सब भाई लोगों को, क्योंकि एक व्लॉग भी बन जाएगा इस बहाने, और आप लोगों से थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी, और आपको पता भी लग जाएगा कि मैं कहाँ था और कहाँ नहीं था। तो भाई पूछो मत, हिमालयन में भी अपन बहुत बड़ा चेंजेस करवाने वाले हैं, तो वेट करना, व्लॉग्स बहुत सही सही आने वाले हैं, बहुत अमेजिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, उसमें अपन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बट हाँ एक अच्छे लेवल पे अपन एक चेंजेस करवाया है जो शायद सभी लोगों को पसंद आने वाला है, आई एम डैम श्योर वो सबको पसंद आने वाला है। वो व्लॉग तो अलग हटके बनेगा, आई मीन ट्राई करूँगा बनाने का उसको अलग तरीके से, और अपनी ब्लैक एंजल भी कुछ अलग बन के आएगी, तो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। और भाई जल्दी से राइड की तैयारी अभी चल रही हैं, जल्दी से चलने वाले हैं अपन राइड पे, बहुत लंबी लंबी लॉन्ग राइड पे, तो वेट करना, व्लॉग पे बने रहना। और कल अपन चलने वाले हैं जी आगरा, हाँ कल अपन जाने वाले हैं आगरा, उसका भी क्या रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है, कुछ नई चीज़ ली थी वो ख़राब हो गई, क्या ख़राब हुआ कैसे हुआ ये सब मैं आपको कल ही व्लॉग, तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही बताऊँगा। कुछ अपन ने अच्छा सा आइटम लिया था, आइटम इन हेवन, और उसमें कुछ ख़राबी आ गई है, क्या ख़राबी आई है वो भाई नेक्स्ट व्लॉग में ही बताऊंगा आपको, क्योंकि सरप्राइज़ भी रहना चाहिए कुछ। तो जी ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना जो भी मेरे चैनल पर नया है। और भाई लोगों अब मैं ना कंटिन्यूसली बना रहूँगा, ये आपसे मेरा प्रॉमिस है। बस यार थोड़ा तबीयत डाउन थी, तो प्लीज़ छोटे भाई की तरफ से माफ़ी, किसी को अगर कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ करना भाई लोगों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आदाब।